दुमका पुलिस ने जाली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पेशे से वकील है। कुल 2,21,000 रुपया बरामद किए गए हैं। पकड़े गए जाली नोटों में 500 और 2,000 के नए और पुराने नोट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी आउटडोर स्टेडियम से हुई है। पकड़े गए वकील का नाम प्रशांत कुमार है। ये वकील 40% कमीशन पर जाली नोटों का कारोबार करता था। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोहम्मद शकील और मोहम्मद बाबू से मिलकर कारोबार को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने एसपी के निर्देश पर छापेमार कर जाली नोटों के साथ इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2000 के 35 जाली नोट, 500 के 41 नोट और पुराने 500 के 262 जाली नोट बरामद किया है। प्रशांत कुमार दुमका के शिव सुंदरी मोहल्ले के रहने वाले बताए जाते हैं, जो पिछले 6-7 महीनों से चोरी छुपे इस जाली नोटों का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने 489B(c) और 420 के तहत जाली नोटों का कारोबार करने एवं ठगी करने के मामले में इन्हें जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक दुमका के आसूचना तथा गठित टीम के द्वारा नकली नोट के कारोबार करने वाले पप्पू और प्रशांत कुमार, पिता स्वर्गीय राधानाथ ठाकुर जो श्री सुंदरी के रहने वाले थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके पास से 2000 जो प्रचलन में है उसकी 35 नोट, 500 की 41 नोट और जो प्रचलन में 500 की नोट नहीं है 262 नोट की बरामदगी हुई है। इस अपराध में दुमका थाना कांड संख्या 163/19 धारा C89 BCD 420 ये IPC के अंतर्गत दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ की गई। सर इसमें सर